प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए कप्तान गिल के दो जिगरी दोस्तों के बीच छिड़ी है सबसे बड़ी लड़ाई। गिल देंगे किसकी कुर्बानी जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 के लिए, ऐसी दिखेगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। हां, 6 जुलाई भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद यह पहला अभियान जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी युवा ब्रिगेड ये श्रृंखला खेलती हुई दिखेगी। और इन सभी खिलाड़ियों के पास एक खासा अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि ये अपना भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में जगह सुनिश्चित कर पाए, क्योंकि 3-3 स्थान खाली हुए हैं। स्थान रोहित शर्मा का खाली हुआ है, स्थान विराट कोहली का खाली हुआ है, स्थान रविंद्र जडेजा का खाली हुआ है। तो यहां पर जो जो खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे, उनकी जगह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में परमानेंट तरीके से स्थापित हो सकती है और वो अपना जगह बना सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण युवा ब्रिगेड के लिए श्रृंखला है, ये श्रृंखला गिल के लिए कप्तानी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये श्रृंखला अभिषेक शर्मा के लिए महत्वपूर्ण है, ये श्रृंखला साई सुदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, ये श्रृंखला रिंकू सिंह के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं वाशिंगटन सुंदर के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है। तो आखिरकार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में जगह बनाएंगे और अपने प्रदर्शन के दम पे वो परमानेंट तरीके से अपना जगह सुनिश्चित कर लेंगे भारतीय टीम के जब मेन स्क्वाड चुनी जाएगी टी20 फॉर्मेट की। लेकिन जो जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 श्रृंखला है वहां पर एक बड़ी लड़ाई है, दुविधा में है कप्तान शुभमन गिल के भैया, जो इनके जो जिगरी दोस्त हैं इस स्क्वाड में जो चुने गए हैं उनमें से एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय टीम के 10 खिलाड़ियों का चयन हो चुका है, लगभग तय है कि ये 10 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलेंगे। एक स्पॉट खाली है और उस स्पॉट के लिए शुभमन गिल के ही दो जिगरी दोस्त लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि वो कौन से दो खिलाड़ी है जिनके बीच में शुभमन गिल को चुनना है, दोनों कैसे शुभमन गिल के जिगरी दोस्त हैं और किसको शुभमन गिल चुनने वाले हैं, किसका डोमिनेंस किसके ऊपर ज्यादा है, सब कुछ अपने इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका स्क्वाड ब्रेकअप है, पहले देख लेते हैं कि किन किन खिलाड़ियों का खेलना सुनिश्चित है और कौन सा वो स्पॉट है जिसके लिए दो खिलाड़ी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिरकार शुभमन गिल दुविधा में क्यों है। तो सबसे पहले देखिए शुभमन गिल कप्तान है तो ओपन करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ का तय है, क्योंकि गायकवाड़ काफी लंबे समय से भारतीय टीम से जुड़े हुए हैं, जब वो सीनियर खिलाड़ी भी खेल रहे थे तो भी इनका स्क्वाड में चयन होता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टी20 श्रृंखला ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद हुई वहां गायकवाड़ ने भारतीय टीम की अगुवाई की, कप्तान थे वो हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में, तो इनका खेलना नंबर 3 पर तय। वहीं अगर हम नंबर 4 पर बात करें तो रियान पराग बहुत बेहतरीन इनका आईपीएल गया है, जबरदस्त फॉर्म में थे, आईपीएल में नंबर 4 पर खेलते थे और अब संजू सैमसन नहीं है तो लगभग इनका नंबर 4 पर खेलना तय है। शिवम दुबे भी नहीं है तो रियान पराग ही आपको नंबर 4 पर खेलते हुए दिखेंगे। अब बात करें नंबर 5 की तो वहां पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज खेल सकता है या रिंकू सिंह खेल सकते हैं। रिंकू सिंह प्लेइंग 11 में सुनिश्चित खेलेंगे लेकिन उनका स्थान या नंबर 5 पे हो सकता है, नंबर 6 पे। मैक्स ऑफ द चांसेस है कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज नंबर 5 पर खेलेगा, वो ध्रुव जोरेल या जितेश शर्मा में से एक होगा। ध्रुव जोरेल की प्रायोरिटी इसलिए होने वाली है क्योंकि ये पहले से भारतीय टीम के स्क्वाड में, संजू सैमसन नहीं है तो इनको तवज्जो मिलना चाहिए। जितेश शर्मा को बाद में बैकअप के तौर पर संजू सैमसन की जोड़ा गया है। तो 5 पे ध्रुव जोरेल, 6 पे रिंकू सिंह, ये 6 बल्लेबाज आपको खेलते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जाएं तो वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर होने वाले हैं क्योंकि आना अक्षर हैं न यहाँ पर कह सकते हैं जडेजा ने संन्यास ले लिया है, तो वाशिंगटन सुंदर एक जडेजा या अक्षर की जगह खेलते हुए यहाँ पर दिखेंगे। इनके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि ये अब लड़ाई में आ जाएं क्योंकि अब अक्षर जडेजा बाहर हो गए हैं, तो अक्षर और वाशिंगटन सुंदर दो भारतीय टीम के पास स्पेशलिस्ट स्पिन ऑलराउंडर हो जाएंगे। वहीं गेंदबाजी विभाग की बात करें तो देखिए कुलदीप नहीं है तो रवि बिश्नोई स्पिन डिपार्टमेंट लीड करेंगे। उसके अलावा तेज गेंदबाजी में खालिल अहमद, मुकेश कुमार और आवेश खान 3 पेशर होने वाले हैं। ये हमारे 10 खिलाड़ी हैं जो कि प्लेइंग 11 में सुनिश्चित ही खेलने वाले हैं, इनका जगह तय है, कोई डगमगा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। वहीं अगर हम आप कहोगे क्यों तुषार देशपांडे नहीं खालिल अहमद की जगह, देखिए लेफ्ट आर्म पेसर है खालिल अहमद, अच्छा खासा इंप्रेस किया हुआ और लेफ्ट आर्म पेसर को भारतीय टीम थोड़ा सा एडवांटेज देती है, अर्षदीप सिंह को जैसे एडवांटेज मिलता है वैसे ही खालिल अहमद को मिलने वाला है। तो ये भारतीय टीम का पूरा
10 खिलाड़ियों की सूची है जो कि प्लेइंग 11 में खेलने वाली है। पहले टी20 मुकाबले में जो एक लड़ाई है वो ओपनिंग डिपार्टमेंट की है, वो अभिषेक शर्मा और साई सुदर्शन के बीच है। दोनों शुभमन गिल के दोस्त हैं। अभिषेक शर्मा अंडर 19 में शुभमन गिल के साथ खेल चुके हैं, वहां पर अपना प्रतिभा अभिषेक शर्मा ने दिखाया था, लेकिन उसके बाद बुझ से गए। फिर जब युवराज सिंह के अंडर आए अभिषेक शर्मा, तो अब उदय हुआ है टी20 फॉर्मेट में। इस वक्त अगर कोई भारत की तरफ से सबसे विध्वंसक क्रिकेट खेलता है तो वो अभिषेक शर्मा है। आईपीएल में हमने इनका प्रदर्शन देखा, और वहीं अगर साई सुदर्शन की बात करें तो ये कुछ शुभमन गिल की अगुवाई में खेल चुके हैं, गुजरात टाइटंस से खेलते हैं, शुभमन गिल के साथ ओपन भी कर चुके हैं। इस संस्करण की बात करें आईपीएल 2024 में, तो ये दो जिगरी दोस्त हैं शुभमन गिल के, साई सुदर्शन और अभिषेक शर्मा। दोनों का ही अटैचमेंट शुभमन गिल से अच्छा खासा है। जब अभिषेक शर्मा का चयन हुआ था तो शुभमन गिल काफी खुश दिखे थे। पंजाब से दोनों खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। शुभमन गिल ने बधाई भी दी थी अभिषेक शर्मा को सिलेक्शन होने पर। अंडर 19 में भी साथ खेला हुआ है, काफी घनिष्ठ याराना है। और साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस से खेले हुए हैं, और ओपनिंग स्लॉट में ये दोनों खिलाड़ियों के बीच लड़ाई है। इन दोनों के बीच जंग जारी है। शुभमन गिल दुविधा में है कि खिलाएं तो खिलाएं किसको। लेकिन अगर हम बात करें खेलने की, तो देखिए भैया, साई सुदर्शन का पत्ता थोड़ा सा कट सा नजर आ रहा है, कट सा जाएगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा बहुत ही विस्फोटक खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा का पहले चयन हुआ था, साई सुदर्शन बैकअप के रूप में आए हैं। शिवम दुबे नहीं है, तो साई सुदर्शन को यहां पर स्क्वाड में जोड़ा गया है, जिस कारण से यशस्वी जायसवाल ने तीसरे टी20 से जुड़ना है यशस्वी जायसवाल को, तो साई सुदर्शन को यहां जोड़ा गया है। तो अभिषेक शर्मा पहले से स्क्वाड में बैकअप के रूप में मौजूद हैं। ऊपर से इन्होंने आईपीएल 2024 में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसके अलावा देखें तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन की खेलने की शैली एक रूप की है, समान क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों को साथ में खिलाना, वो भी पावर प्ले के ओवरों में खिलाना, थोड़ा सा घातक भारतीय टीम के लिए साबित हो सकता है। लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी बहुत विध्वंसक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साबित हो सकती है। एक एंकरिंग की भूमिका निभा सकता है, तो दूसरा दूसरे छोर से हिटिंग कर सकता है। अभिषेक शर्मा के पास क्या कैपेबिलिटी वो हमने देखा है, इनको परखना इस टूर में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो साई सुदर्शन को अभी वेट करना पड़ेगा, शायद साई सुदर्शन की कुर्बानी शुभमन गिल यहां पर दें और अभिषेक शर्मा को प्रिफरेंस दें, यही वाजिब है। अभिषेक शर्मा को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये टी20 फॉर्मेट है। वनडे फॉर्मेट रहता तो साई सुदर्शन थोड़ा सा एडवांटेज में रहते, लेकिन टी20 फॉर्मेट है तो अभिषेक शर्मा एक सही विकल्प नजर आ रहे हैं। तो अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देखें कि क्या कुछ होने वाली है पहले टी20 मुकाबले के लिए, तो कुछ इस प्रकार से होगी। शुभमन गिल अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, 3 पर ऋतुराज गायकवाड़, 4 पर रियान, 5 पर ध्रुव डोरेल, 6 पर रिंकू सिंह, 7 पे सुंदर, 8 पे बिश्नोई, 9 पे आवेश, 10 पे खाली, 11 पे मुकेश कुमार। ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 है, यही खेलने वाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से अभिषेक शर्मा या फिर साई सुदर्शन या फिर इस प्लेइंग 11 में कोई कुछ और बदलाव आप देख रहे हैं, वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।